जन्मभूमि मातृभूमि पुण्यभूमि तू महान, तेरी चहुओर जयकार चाहता हूं मैं। ये मेरे मातृभूमि के प्रति मेरी इच्छाएं हैं। जन्मभूमि मातृभूमि पुण्यभूमि तू महान, तेरी चहुओर जयकार चाहता हूं मैं। तेरा परिधान रहे दिव्य, सुख संपदा हो, स्वर्ण साहो भोर भिनुसार चाहता हूं मैं। देवभूमि भारती मां वीर बलिदानियों की, पुण्य है धरा तू सत्कार चाहता हूं मैं। चौथी पंक्ति और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे मन की बात है, आपके मन से मिलनी चाहिए। जन्मभूमि मातृभूमि पुण्यभूमि तू महान, तेरी चहुओर जयकार चाहता हूं मैं। तेरा परिधान रहे दिव्य, सुख संपदा हो, स्वर्ण साहो भोर भिनुसार चाहता हूं मैं। देवभूमि भारती मां वीर बलिदानियों की, पुण्य है धरा तू सत्कार चाहता हूं मैं। तेरी ममता का कर्ज शीश दे चुका हूं, तेरी गोद में जन्म बार बार चाहता हूं। तेरी ममता का कर्ज शीश दे चुका हूं। दोस्तों, मैं जब खड़ा हो रहा था, मुझे जब अनुज प्रशांत बुला रहा था, तो उसने ये बात बार बार कही कि आज मातृ दिवस है, आज मदर्स डे है। मैं इससे इनकार करता हूँ, मैं मदर्स डे मानता ही नहीं हूँ। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा ही नहीं है। मदर्स डे तो पश्चिमी देशों की सभ्यता है, जहां पर शादियां महीने भर चलती हैं, हफ्ते भर चलती हैं। उस दौरान अगर किसी बालक का जन्म हो जाए, बालिका का जन्म हो जाए, तो वो एक दिन कम से कम असली माँ के साथ बिता सके, इसलिए वो मदर्स डे की परिकल्पना लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ तो हर दिन मातृ दिवस मनाया जाता है साहब। हम उस हिंदुस्तान के हैं साहब। एक बात पे, सिर्फ एक बात कहता हूं, और आपकी तालियों की आवाज इससे 10 गुनी बढ़ जानी चाहिए। अगर बात में दम हो तब बजाना। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा भाभी माँ वाली है, भाभी जान वाली नहीं है। भाभी माँ पे भरोसा करते हैं, भाभी जान हमारी सभ्यता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, सुनिएगा, चार चार पंक्तियों से जोड़ता हूँ, थोड़ा सा संजीदा हो जाइए। मैं माँ के लिए पढ़ता हूँ, मैं अपनी माँ को अम्मा कहता हूँ, और मैं जब भी जाता हूँ, आप भी घर से बाहर निकले होंगे अपने, तो माँ का पैर छू के निकले होंगे। और ये हो ही नहीं सकता कि माँ ने आपके आशीर्वाद स्वरूप 2-4 रुपया आपके हाथ में न रखा हो। ये हमारे घरों की सभ्यता परंपरा है, जो आज तक हम निर्वहन कर रहे हैं। इसका मैंने पढ़ा कि उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। एक माँ सामने बैठी हुई है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ, सुनिएगा, कि उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। आज मातृ दिवस पर ये जो लोग मातृ दिवस कर रहे हैं, इनको आपको जवाब देना है, और आपके आशीर्वाद के माध्यम से जवाब मिलेगा कि हमारा हर दिन माँ को समर्पित है। हम मातृ दिवस के रूप में कोई एक विशेष दिन नहीं बनाते साहब, हर दिन हमारे माँ को समर्पित है। कि उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। सुनना कनक, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। मुझे मायूस देखे अपनी सुध-बुध भूल जाती है। उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। मुझे मायूस देखे अपनी सुध-बुध भूल जाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूं, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। मैं प्रणाम करता हूं, आपने मेरी पंक्तियों की लाज रख ली। अब मेरे अंदर हिम्मत आया कि माँ पे जो लिखा है मैंने वो भी पढ़ सकूं। सुनिएगा, 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। माँ क्या होती है? 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी। चोटगर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या। मैं बहुत आह्लादित हुआ आज आपके बीच में खड़ा होकर। पहली बार लग रहा है अपने आंगन में पढ़ रहा हूं और आपका समर्थन पा रहा हूं। 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाए है। चोटगर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ।
शब्द जब निकले जबा से याद करना क्या कहा, क्या कहा? शब्द जब निकले जबा से याद करना क्या कहा, राम या रहमान, ईसा या कलंदर ना कहा, इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा। जरा बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। ये हमारा बनारस है साहब, बोलना सीखा जो हमने सबसे पहले माँ कहा। माँ से ही जीवन मिला। मैं उन पीढ़ियों को सुनाना चाहता हूँ जो हगीज पहनकर बड़े नहीं हुए। माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही और माँ से ही रोटी मिली। माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली। भैया बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ और ये आपके लिए, क्योंकि आपकी पीढ़ी के लोग इसको महसूस करेंगे, आप हगीज वाली पीढ़ी से ऊपर हैं। माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही और माँ से ही रोटी मिली। घूमते नंगे बदन माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। प्रणाम करता हूँ, गर्व करता हूँ आप लोगों पर। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। जितने सोशियोलॉजी के स्टूडेंट बैठे हैं उनको पता है माँ ही प्रथम पाठशाला है। थाम कर जितने लोग ऊपर बैठे हैं, भाई साहब आप लोग भी आशीर्वाद दे सकते हैं, आप अपनी माँ के लिए ताली बजा सकते हैं। माँ सुनिएगा, थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ, संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। क्या कहने, थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ, संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ, बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। क्या बात है, नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ, बंद आंखों से भी बंद आंखों से भी हमको। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। जरा पुरजोर तालियां आपकी, उठे आगे से पीछे तक। वाह 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 वाह, प्रणाम करता हूँ आपको। कि थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ, थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ, संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ, बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ, बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। सुनिएगा, दो चार मिसरे मैंने कुछ अलग से लिखे हैं कि दिल कहाँ काबू में रहता है जमा होने के बाद, इश्क परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद। क्या कहने, एक पिता का प्यार क्या है उसके बच्चों के लिए, अब समझ आया है मुझको बागबा होने के बाद। अरे वाह वाह वाह, बने साहब बिना बाप बने आप ये नहीं समझ सकते हैं कि आपके बाप ने आपसे कितनी मोहब्बत की है। उसी तरह से जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, जब तक आप अपनी पत्नी को उसके बच्चों की परवरिश करते हुए अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक आपको एहसास नहीं होगा कि आपकी माँ ने आपके लिए कितना संघर्ष किया है। मैंने ये सोच करके इन पंक्तियों को लिखने की कोशिश की है कि उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए। ये मैंने अपनी पत्नी को देखा है कि जब भी वो सजती संवरती थी, तैसे पता चला कि या तो बच्चा कहीं खेल खेल खेलते खेलते गिर गया है, या बच्चे ने पोटी कर दी है, सुसु कर दिया है, या फिर बच्चे को किसी चीज की जरूरत पड़ गई है, या रोता हुआ चला आया है, उसका पल्लू थाम लिया है। ये देखने के बाद इन पंक्तियों को मैंने लिखा कि उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। अरे वाह वाह, उम्र का हिस्सा दिया, उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के। अरे वाह वाह वाह, माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। दोस्तों ऐसा है कि मैंने खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए
माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया? ये एक बार कोशिश करिएगा कि प्रश्न कर सके खुद से, नहीं उन नालायक बेटों से। पता है दो तीन खबरें ऐसी रही, एक खबर तो इसी बनारस की रही, जहां रविंद्र नगर चौराहे के उधर जवाहर नगर में एक मकान था, जहां पर एक बूढ़ी माँ का शव एक महीने तक सड़ता रहा और उसका लड़का बाद में आया, एक महीने के बाद तो पता चला उसकी माँ मर चुकी है। शर्मनाक। आप लोग उन लड़कों से कोशिश करिएगा कि पूछिए, मेरे मेरे मेरी आंखें भर रही हैं फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, कि उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए, माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए, माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, उसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया? जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। अरे वाह, ये सवाल है साहब, माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया? जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। और सिर्फ चार पंक्तियां ऐसे लोगों के लिए पढ़ता हूं जो फेसबुक पर बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हैं, लेकिन माँ की इज्जत करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बार मैं आपसे आकाश भर तालियां मांगता हूं, और बात अगर सच में लग गई हो तो दोनों हाथ आपके उठ की तालियां बननी चाहिए। दोस्तों मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा सुनिएगा दादा, सुनिएगा सुनिएगा। अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली, ये एक माँ का दर्द है। अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को वो धोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ अंतिम पंक्तियां, अंतिम चार पंक्तियां सुनाता हूं, कि है नौका संस्कारों का ये उल्टा मोड़ मत देना, कभी मझधार में पतवार अपने छोड़ मत देना, निभाओ साथ ज़ईफ़ी में जिनका ये भरोसा है, बुढ़ा भी कभी कभी माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत देना, कभी माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत देना। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ दोस्तों, ये कवि सम्मेलन वाकई बहुत सफल रहा, और मैं समझता हूँ बस मैं समझता हूँ काम भर का काव्य पाठ हो गया है। हाँ अभी और, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थोड़ा सा इनके कार्यक्रम आयोजनकर्ताओं के पास समय की कमी है, तो देख के बैठे हैं, हाथ पे हाथ चालू रहिए। मैं बस समय की कमी न हो एक छोटी सी गजल सुना देता हूँ, 10 मिनट और बस, छोटी सी यहाँ विराजी तो मैं एक छोटी सी गजल में नहीं, ये समय की कमी है, और मैं चाहता हूं कि इतना बढ़िया काव्य पाठ आपने सुना, मैंने किया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपने बहुत अच्छा सुना, इसके लिए मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूं, और एक छोटी सी गजल आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दो तीन मिनट के बाद मैं अपने आप माइक छोड़ दूंगा, बस आप दो तीन मिनट के लिए आराम से बैठे, नहीं तो ध्यान भंग होता रहेगा, बस दो मिनट। हाँ ध्यान भंग, भाई अप्सरा को देख के ध्यान भंग नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो अरे आपका भैया, हम भी मानव हैं आपकी तरह, बस ये अंतर है कि आदि नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों के प्रेम को जागृत करने की कोशिश करता हूं, कि नगमों का ये सिलसिला होता, काश ये दिल ना आसना होता, नगमों का ये सिलसिला होता, काश ये दिल ना आसना होता, वो अगर बेवफा नहीं होती मैं भी शायर कहां बना होता। नगमों का ये सिलसिला होता,
काश ये दिल नासना होता। आप शायरी सुनने के भी मूड में हैं, क्या पकड़ते हैं आप यार, क्या समझते हैं। और ये देखिए, पढ़े लिखों को कविता सुनाने, शायरी सुनाने का यही फल मिलता है कि बिना समझाए आप तक बात पहुंच जाती है। लेकिन मैं एक ऐसी गजल आप तक पहुंचा रहा हूं जिसके एक एक शब्द से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, इस उम्मीद से सुनाता हूं। और अगर वो गजल आप तक पहुंच गई, एक एक शेर आप तक पहुंच गया, तो मैं समझूंगा कि मेरे बनारस वाले कहीं से भी कम नहीं है। वैसे भी कहीं भी इतनी मस्ती से सुनने वाले लोग मिलते नहीं साहब। एक गजल का मतलब पहुंचाता हूं आप लोगों के सामने, सुनिएगा सर, सुनिएगा। आपके सामने एक बहुत अच्छी गजल का मतलब पहुंचाता हूं कि अजब ये हाल है यारो मोहब्बत करने वालों का, अजब ये हाल है यारो मोहब्बत करने वालों का, जरा सी बात पर बरसों का वादा टूट जाता है। क्या बात है, पहले मिसरे पे इतना दाद दिया आप लोगों ने, कसम से बता रहा हूं, मुझे लग रहा है जैसे उर्दू अकादमी का अवार्ड बिना पैरवी के मिल गया मुझे। लोग भावनाओं को समझ रहे हैं, और भावनाओं में खुद घुसिए तो ज्यादा मजा आएगा। अजब ये हाल है यारो मोहब्बत करने वालों का, जरा सी बात पर बरसों का वादा टूट जाता है। दूसरी पंक्तियां मिसरा सानी पकड़ना है आपको। अजब ये हाल है यारो मोहब्बत करने वालों का, जरा सी बात पर बरसों का वादा टूट जाता है। कभी रहता भरोसा फिर भी रिश्ता टूट जाता है। वाह, कहीं रिश्ता तो रहता है, भरोसा टूट जाता है। कहीं रिश्ता तो रहता है, भरोसा टूट जाता है। कहां पे किसका दिल नाजुक, यहां पे कौन जाने है, कौन लड़ता है किससे और क्या क्या टूट जाता है। ये मस्ती चाहिए, ये मस्ती चाहिए। कहां पे किसका दिल नाजुक, यहां पे कौन जाने है, कौन लड़ता है किससे और क्या क्या टूट जाता है, कौन लड़ता है किससे और क्या क्या टूट जाता है। कभी शीशे से टकरा कर के पत्थर टूट जाते हैं, कभी पत्थर से टकराता है शीशा टूट जाता है, कभी पत्थर से टकरा कर के भाई साहब शीशा टूट जाता है। एक शेर थोड़ा सा कमाल हो गया है, महाभारत से लेके अब तलक, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, महाभारत से लेके अब तलक दुश्मन है भाई ही। आप मुहर लगाइए, आप मुहर लगाएंगे। महाभारत से लेके अब तलक दुश्मन है भाई ही। सर हाथ खोलिए, महाभारत से लेके अब तलक दुश्मन है भाई ही, मगर अपनों से लड़ने का इरादा टूट जाता है। महाभारत से लेके अब तलक दुश्मन है भाई ही, मगर अपनों से लड़ने का इरादा टूट जाता है। कहीं धागे के आगे कितने रस्से टूट जाते हैं, कभी रस्से के आगे सारा धागा टूट जाता है। कहीं धागे के आगे सारे रस्से टूट जाते हैं। मैं बहुत प्रणाम करता हूं, सुनिएगा एक शेर बहुत अलग सा। आप नौजवानों की नजर करता हूं, गजब है खेल किस्मत का जो चाहो मिल नहीं पाता। गजब है खेल किस्मत का, आपने जो चाहा होगा मिली नहीं होगी भाई साहब। गजब है खेल किस्मत का जो चाहो मिल नहीं पाता, गजब है खेल किस्मत का जो चाहो मिल नहीं पाता, हमेशा आँख खुलती है तो सपना टूट जाता। वाह 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 वाह, किस्मत का जो चाहो मिल नहीं पाता हमेशा आँख में। प्रणाम करता हूँ यार, आज दिल खुश हो गया, आज मुझे मजा आ रहा है पढ़ते हुए। गजब है खेल किस्मत का जो चाहो, देवी जी पर दो तीन शेर है, रुक जाइए रुक जाइए देवी जी। गजब है खेल किस्मत का, गजब है खेल किस्मत का जो चाहो मिल नहीं पाता, हमेशा आँख खुलती है तो सपना टूट जाता है। दीवाने से जुदा होकर दीवानी टूट जाती है, दीवानी से जुदा होकर दीवाना टूट जाता है, दीवानी से जुदा होकर दीवाना टूट जाता